अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप यार। आज मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप, मैं मंथली नहीं कहूंगा बल्कि डेली का कहूंगा कि 5 से 10 हज़ार रुपये डेली के आप अर्न कर सकते हैं। और अगर महीने की हम बात करें तो आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा सकते हैं। बहुत सिंपल सा काम है, आपने फेसबुक और व्हाट्सएप की हेल्प लेनी है उससे। मैं कोई लिंक शार्टनर वगैरह आपको नहीं बताने वाला, ये ख्याल रहे, मैं आपको बहुत यूनिक काम बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको इसके बारे में पहले किसी ने भी ना बताया हो। तो मैंने कल देखा है और मैंने कहा कि यार आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अब हर बंदा जो है हो सकता है इस काम को ना करे, लेकिन ये काम ऐसा है कि अगर कोई बंदा इसको पिक कर लेता है, इसको समझ लेता है और इसको करता है तो इसमें कामयाबी 100% है। आज मैं आपको एक फ़ीमेल के बारे में बताऊँगा और उसका काम भी दिखाऊँगा कि वो क्या काम कर रही है और कैसे यहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है वो जनरेट कर रही है, और बहुत सिंपल मैथड से। और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने घर में बैठ के फेसबुक और व्हाट्सएप की जस्ट आपने हेल्प लेनी है और आप बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, आपको लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, किस काम के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन का मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको व्हाट्सएप और फेसबुक की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। यहाँ पे दोस्तों देखें, एक पेज हमारे पास है गिफ्ट कॉर्नर, इस तरह के और भी आपको काफ़ी सारे पेजेस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये हमारी पाकिस्तानी बहन है, वो काम कर रही है और काम क्या कर रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट किस्म के वो गिफ्ट पैक बनाती हैं। अब वो वैलेंटाइन डे के लिए भी बनाती हैं, वो एक सेपरेट इशू है, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता वो एक अलग बात है, लेकिन जब उनसे डिमांड की जाती है तो यहाँ पे वो डिफरेंट गिफ्ट्स बनाती हैं, डिफरेंट पैक बनाती हैं वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, दोस्तों के लिए, मदर के लिए, फादर के लिए, डिफरेंट। जिस तरह किसी की सालगिरह है या किसी का कोई जो है एनिवर्सरी है किसी भी हवाले से, तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो है यहाँ पे ये बना के देती हैं और इनसे पैसे लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा जो है वो लगाया है कि जनाब ये कितने रुपए में जो है एक गिफ्ट बन रहा है। मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो बात करने की कोशिश की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है तकरीबन इसमें डिफरेंट गिफ्ट्स होते हैं। जैसे फ़र्ज करें ये गिफ्ट है, इसमें चॉकलेट्स वगैरह लगी हुई हैं, तो जाहिर है जो चीज़ एक्स्ट्रा आप लगाएंगे तो उसकी पेमेंट तो अलग से होगी ना। इन्होंने जो पेमेंट लेनी है वो डेकोरेशन की लेनी है कि जितनी डेकोरेशन ये बनाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे ये उससे पैसे लेते हैं। तो तकरीबन ये गिफ्ट जो है ना सेल कर रही हैं 1500 से लेके 3000 रुपये तक, ठीक है, इतने में ही एक गिफ्ट सेल कर रही हैं। और मैंने जो अंदाज़ा लगाया है इसके ऊपर डेकोरेशन का जितना खर्चा आता है, ये ऊपर जो राइटिंग वगैरह आप देख रहे हैं, ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। YouTube पे आपको बहुत ज़्यादा चैनल्स मिल जाएंगे जो कि ये सिखाते हैं कि कैसे आपने गिफ्ट पैकिंग करनी है और कैसे आपने जो है ना इस तरह की ऊपर ये चीज़ें करनी है। तो एक पैकेट बनाने के ऊपर, मैंने इसके ऊपर जितने रिसर्च किए, एक पैकेट बनाने के ऊपर आपका तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। और आपका जो खर्चा होता है वो तकरीबन, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम, ये पेपर वगैरह और सारा कुछ मिला के आपका 200 से 300 रुपए का खर्चा होता है। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा अगर गिफ्ट आप बनाते हैं। बाकी अगर आपने स्केच लेने हैं तो आपको इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा स्केच मिल जाते हैं, आप वहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं कि जनाब मुझे जो है ना कोई स्केच बनाना है या कोई गिफ्ट पैक करना है तो उसके डिज़ाइन वगैरह। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से सोच के करें। अब बहुत से लोग जो है वो बहाने ढूंढते हैं काम ना करने के, यार ये हम तो नहीं कर सकते, ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, लोग डेकोरेट कर लेते हैं। तो मेरे भाई सारा कुछ यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और गूगल के ऊपर मौजूद है, आपने जस्ट थोड़ी सी हेल्प करनी है। अब देखें ये अपने काम को कैसे इंक्रीज़ करती हैं कि ये यहाँ से लोगों के रिव्यूज़ लेती हैं जिनको ये अपनी गिफ्ट भेजती हैं, और उनके रिव्यूज़ जो है अपने पेज के ऊपर दोबारा से पोस्ट करते हैं। अब जो लोग देखते हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि यार वाकई में यहाँ पे अच्छी जो है यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आप भी इस तरह का कोई फेसबुक पेज बनाना चाहें तो बना लें, ग्रुप बनाना चाहें तो बना लें, व्हाट्सएप के ऊपर बना लें, वहाँ पे लोगों को ऐड करें और उनको अपना काम दिखाएं अगर आपको काम करते हैं, या कोई सैंपल आप उठा लें जो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने सैंपल देख लेने, इंटरनेट से आप कुछ तस्वीरें उठा लें जो डेकोरेट आप कर सकते हैं, वो तस्वीरें उनके साथ शेयर करें कि भाई इस तरह का गिफ्ट पैक हम आपको बना के दे सकते हैं, या कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन करके उनको बता दें कि भाई इस तरह का गिफ्ट पैक आपको मिल सकता है। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि फाइवर के ऊपर भी आप गिग लगा सकते हैं, वहाँ पर भी लोग कह सकते हैं कि हाँ यार हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इस तरह गिफ्ट आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब ये एक छोटा सा आइडिया मेरे माइंड में आया था तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ शेयर करूं,
हो सकता है, क्योंकि ये लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, तो हो सकता है किसी के माइंड में ये चीज़ क्लिक कर जाए, हो सकता है कि कोई बंदा जो है ये टैलेंट रखता हो सकता है कि किसी को ये बात पसंद आ जाए और वो ये काम शुरू कर दे। और मुझे पता है ये काम थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि हमारे बहुत से लोग तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं कि यार बस घर बैठे हमारी अर्निंग होती रहे किसी भी तरह से, हमें कुछ करना ना पड़े। तो मेरे भाई करना तो कुछ ना कुछ आपको पड़ेगा अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो ऐसी वेबसाइट्स तो रोज़ आती हैं रोज़ जाती हैं, तो वहाँ पर लॉस के चांसेस 100% होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो, काम करते हो, तो यहाँ पे आपके लॉस के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो मेहनत करें, काम करें, आपको आइडिया देना हमारा फ़र्ज़ होता है, बाकी उसके ऊपर आपने अमल करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।